देख रहे हैं प्राइमरी के न्यूज चैनल सच का साथ। सुबह की खबर जनपद बागपत से आ रही है। बागपत में परिवहन विभाग की ओर से 15 वाहन को हुई नीलामी। ये पूरी नीलामी परिवहन विभाग की तरफ से की गई है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बागपत परिवहन विभाग की ओर से बागपत कार्यालय में की गई 15 वाहनों की नीलामी की शुरुआत 2 लाख रुपए से होकर 2,75,000 रुपए में लास्ट बोली पर नीलामी कर दी गई। सभी वाहन मेरठ के स्क्रैपर ने खरीदे हैं। बागपत जनपद परिवहन विभाग के मेरठ से पहुंचे राजीव श्रीवास्तव और राजेश सिंह के नेतृत्व में सभी 15 वाहनों की बोली हुई, जिसमें उप परिवहन विभाग आयुक्त परिक्षेत्र मेरठ ने बताया कि 15 वाहनों की नीलामी की गई है, जो टैक्स टूटी हुई और अन्य कारणों से ARTO के बागपत के द्वारा सीज की गई थी, जो आज नीलामी कर दी गई है, जो 2,75,000 में 15 वाहन स्क्रैप में दिए गए हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, जो भी वाहन स्वामी स्वयं से गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं कर पाता है, उसको हमारे विभाग की तरफ से नीलामी कर दी जाती है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन